हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीड नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन. बात कर रहे हैं हम एनिमल किंगडम चैप्टर की, द फोर्थ चैप्टर फ्रॉम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग फाइला. वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मिस हो गया है, इंपॉर्टेंट है. आई विल सेंड एक यहाँ पर मैं एक लिंक लगा दूंगी ताकि आप जाके वो वाला वीडियो देख सकें. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट फाइलम विच इज योर फाइलम पॉरीफेरा. उससे पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है? ये वाला हम देख चुके हैं. नाउ मूविंग ऑन टू फाइलम पॉरीफेरा की, जो आपका पॉरीफेरा है ना, व्हेन यू हियर द वर्ड पॉरीफेरा, ठीक है, उसी में आपके कौन से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हिंट आ रही है, ठीक है, वो है आपकी, जैसे ये है, हो गया आपका पॉरीफेरा. हिंट क्या आ रही है आपकी? POR से, पोर्स, ठीक है. दिस होल फाइलम फोकसेस ऑन पोर्स, यानी पोर्स के थ्रू ही यहाँ पे आपका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सी चीज जो है वो आपकी चलेगी, ठीक है. सो फाइलम पॉरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. किचन में रखा हुआ स्पॉन्ज देखा आपने कभी, जैसे बर्तन धुलते हैं पानी एब्जॉर्ब होता है, ये सब उसी से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं. द फाइलम पॉरीफेरा इज क्वाइट सिमिलर टू जो हमारे घरों में किचन में स्पॉन्जेस होते हैं उनसे. दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल. अब एक एक फीचर जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा था वो सामने आएगा, और वो क्यों देखा था ये भी हमको पता चलता जाएगा, ठीक है. सो सबसे पहले क्या लिखा है? मरीन है. मरीन है आपकी कौन है? एक्वेटिक, ठीक है. उससे भी आपके मरीन है, यानी दे लाइक टू स्टे इन योर सॉल्ट वाटर, ठीक है. फ्रेश वाटर में आपको स्पॉन्जेस या बाथ स्पॉन्ज या पॉरीफेरा के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं मिलेंगे. सो पहली बात क्या कही है? मरीन है, ठीक है, एक्वेटिक है. सेकंड बात ये है कि दे आर नॉट सिमेट्रिकल, यानी दे आर असिमेट्रिकल. अब असिमेट्रिकल की बात करें, अब मैं इसको किसी भी तरह कट करूं या इसको मैं किसी भी तरह कट करूं तो मुझे दो हाफ्स नहीं मिलेंगे, आइडेंटिकल तो भूल ही जाइए, ठीक है. मतलब जैसे हमने रेडियली सिमेट्रिकल में कहा था कि अगर सेंटर से पास होती कोई भी प्लेन में लाइन हो, है ना, वो इक्वल हाफ्स में कट करेगी? नहीं है. अगर बायलैटरल, यानी कि प्रॉपर टू आइडेंटिकल हाफ्स, वो भी यहाँ नहीं मिलेंगे. सो ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर योर असिमेट्रिकल वंस. Primitive multicellular animals and have cellular level of organization. सबसे basic, सबसे नीचे की तरफ की बात है कि एक तो primitive है, ठीक है. दूसरा primitive मतलब क्या हो गया? पुराने जमाने के, यानी जब evolution हो रहा था. सी जब ये हम फाइला अलग अलग पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि जो complexity है, ठीक है, अगर मुझे इसको graph पे बताना पड़े तो अगर यहाँ पे पॉरीफेरा है और यहाँ पे कॉर्डेटा है तो वह एक्स चलेगी, ठीक है. यहाँ पे आपके अलग अलग फाइला हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. तो जब तक हम कॉर्डेटा पे पहुंचेंगे आप देखोगे कि कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. सो नाउ व्हेन यू मूव फ्रॉम फाइला पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा, ये आपको दिख जाएगी. फिलहाल हम यहाँ पे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ इकलौता ये वाला फाइलम दिखाएगा. अगर आपको चार्ट याद हो जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें सेल्यूलर लेवल सिर्फ एक पे ही है, वो है आपका पॉरीफेरा. एंड ऑफ स्टोरी. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई और फाइलम नहीं दिखाएगा. स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिनको हम कहते हैं ऑस्टिया. ये जो दिख रहे हैं पोर्स, इनको क्या कहेंगे हम? ऑस्टिया, ठीक है. हर एक की बॉडी में होंगे, यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, दीज आर ऑल योर ऑस्टिया, ठीक है. इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम. अब क्या कह रहे हैं कि पहले तो ऑस्टिया के थ्रू जो है वो वाटर अंदर चला गया, ठीक है. अब अंदर एक सेंट्रल लोकेटेड कैविटी है. कैविटी मतलब एक तरीके से खाली जगह, ठीक है, जैसे पाइप होता है आपका, पाइप में से पानी बाहर आता है ना, तो वो अंदर क्या है, जो ल्यूमेन है, जो खाली जगह है, वो है आपकी कैविटी. अब यहां से अगर आपके ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर गया, ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द इंक, आपको क्लियरली दिखेगा. यहां से वाटर अंदर गया तो ये जो अंदर गड्ढे टाइप के है ना, इनके अंदर जाएगा. अच्छा, अब इनको क्या नाम दिया गया है? इनको नाम दिया गया है स्पॉन्जोसील, ठीक है. द नेम गिवन इज स्पॉन्जोसील.
और एक ओपनिंग भी है बाहर की, ये जो ओपनिंग है ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑस्क्यूलम, ठीक है। सो दिस इज द थ्री, एक कहेंगे कि हम ट्रिपल क्राउन है आपका स्पॉन्जेस का जो आपको याद रखना है। वॉटर अंदर आएगा ऑस्टिया के थ्रू, कैविटी है उसका नाम है स्पॉन्जोसील, और ओपनिंग जो है वो है आपकी ऑस्क्यूलम, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, दिस पाथवे ऑफ वॉटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ जीरो कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपके लिए एकदम सिंपल है। फूड अंदर आ रहा है ऑस्ट्रिया के थ्रू, ठीक है, वो फूड में किस तरीके से आ रहा है ये याद रखेंगे, तो वाटर के थ्रू, ठीक है, उसी के थ्रू आपकी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी हो रही है, उसी के थ्रू आपका वेस्ट भी बाहर जा रहा है। सो इस सेंट्रली लोकेटेड कैविटी हो गई, वाटर का अंदर आना हो गया, ऊपर ओपनिंग हो गई, ये तीनों मिलके आपके अलग अलग फंक्शंस निभा रहे हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, choanocytes or collar cells line the spongocoel and the canals. Digestion is intracellular, cell के अंदर। अगर ये वो cavity है, ठीक है, ये osculum हो गया, choanocytes से अगर अंदर आ रहे हैं तो अंदर की तरफ यहाँ पे आपके जो choanocytes हैं या collar cells, बाहर कौन है? बाहर तो आपका ostia है, right? But अंदर की तरफ जो lining है, ठीक है, वो किसकी है आपकी? वो है आपकी choanocytes की, जिनको हम collar cells भी कहेंगे, ठीक है। सो चार चीजें हो गई हम, पहला सबसे पहले ostia minute pores हैं जिनके थ्रू वाटर अंदर आएगा, खाना भी वही लेके आएगा, रेस्पिरेटरी गैसेस भी वही लेके आएगा एक्सचेंज के लिए। सेकंड अंदर कैविटी में आएगा, कैविटी है स्पॉन्जोसील, लाइंड किससे है, किस टाइप के सेल से? आपके choanocytes या फिर हम इनको क्या कहेंगे? collar cells, ठीक है। ऊपर ओपनिंग क्या है? ऑस्क्यूलम, वहां से वो फूड जो है वो रह जाएगा, वाटर जो है वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है, इतना सिंपल है। अंदर आया पानी यहाँ पे पोर्स के थ्रू, अंदर आया पानी स्पॉन्जोसील में आया, लाइन बाय कॉलर सेल्स और choanocytes, फूड वहीं बचा लिया, ऊपर की जो ओपनिंग्स है ऑस्क्यूलम उनके थ्रू बाकी का वाटर जो था वो चला गया। दिस इज हाउ सिंपल योर पॉरीफेरा इज। नाउ The body is supported by a skeleton made of spicules or spongin fibers. तो ये जो body है आपकी, ठीक है, या तो spicules कहेंगे या फिर हम कहेंगे spongin fibers. Sexes are not separate, यानी कि these are hermaphrodite. Hermaphrodite यानी bisexual होता है, ठीक है, hermaphrodite means nothing by your bisexual organism, that is eggs and sperms are produced by the same individual. दोनों ही sexes उसी organism में present है और वही आपके क्या दिखाएंगे? दोनों eggs भी दिखाएंगे और आपके sperms भी दिखाएंगे, ठीक है। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. यानी कि asexually fragmentation, मैं इसको यहां से तोड़ दूंगी, ये भी नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स के थ्रू, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक चीज है जो हम लार्वल स्टेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी आए कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, यानी वहां जो आपका डेवलपमेंट होगा वो होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? ठीक है, एग्स है, ठीक है, एग्स है, यहां है आपकी बटरफ्लाई। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है, बट नहीं, बीच में एक और स्टेज आती है ना, वो होती है आपकी कैटरपिलर। सो ये जो आपका एग है वो कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर आपकी बटरफ्लाई बनेगा। सो ये बीच वाली स्टेज को हम लार्वल स्टेज कहते हैं और डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्टली कोई एग, डायरेक्टली आपका एग जो है वो ऑर्गेनिज्म बन जाए, जैसे बर्ड्स में है, ठीक है, लार्वल स्टेज नहीं है ना, एग से निकल के वो सीधा बर्ड को रिसेंबल करती है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एक बीच में स्टेज होगी, मॉस्किटोज एग्स लार्वा और फिर आपका मॉस्किटो बनता है, फ्रॉग एग्स फ्रॉग
सीधा नहीं बनता ना, बीच में एक टैडपोल आता है, देन योर फ्रॉग. सो ये जो बीच में वाली स्टेज है, इसको हम, इसकी वजह से हम कहते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. सो जो आपके स्पॉन्जेस हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, यहाँ पे बीच में एक स्टेज आएगी, उसके बाद आपका जो ऑर्गेनिज्म है जैसा है वो वैसा दिखेगा. ठीक है, नाउ विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट. मॉर्फोलॉजिकली आउटर अपियरेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, एडल्ट से डिफरेंट. एग्जाम्पल्स, साइकॉन, जिसको हम साइफा भी कहते हैं, दिस इज योर साइकॉन. स्पॉन्जिला, फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज. एंड लास्टली योर यूस्पॉन्जिया, ठीक है, बाथ स्पॉन्ज. सो ये जो है आपके, ये तीन एग्जाम्पल हैं, ठीक है, पॉरीफेरा के साइकॉन, स्पॉन्जिला, बाथ स्पॉन्ज. तो ये तीनों कौन से हो गए आपके, पॉरीफेरा के एग्जाम्पल. अगर हम स्टार्टिंग से एक बार फटाफट रिवाइज करें, मरीन है, असिमेट्रिकल है, ठीक है. चार चीजें जो हमको इनकी बॉडी के बारे में ध्यान रखनी है वो क्या है, पहला ऑस्टिया, पोर्स, जिनके थ्रू वाटर और फूड अंदर जाएगा. सेकेंड कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में. स्पॉन्जोसील किससे लाइंड है आपके, चाइनोसाइट्स या कॉलर सेल से. फोर्थ बाहर कहाँ से जाएगा, ऑस्किलम से. इसके अलावा जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है आपका, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स. जो आपका ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ हर्माफ्रोडाइट वन, यानी मेल भी है फीमेल भी है, यानी एग्स भी प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा. उसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन है जिसके थ्रू नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा है, ठीक है, ये रहा फ्रैगमेंटेशन. फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है, इंटरनल है, बीच में एक लार्वल स्टेज है. सो डेवलपमेंट क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया. अब लास्टली है आपके एग्जाम्पल्स, साइकॉन, स्पॉन्जिला और लास्ट कौन सा आपका, यूस्पॉन्जिया, ठीक है. सो दिस इज जस्ट योर फाइलम पॉरीफेरा, इसके साथ एंड हो रहा है. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई इश्यू हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट. क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के, सी अपने आप क्वेश्चन बनाने शुरू करिए, कैसे, पॉरीफेरा है, वेयर इज इट फाउंड, हैबिटेट क्या है, ठीक है. इनफैक्ट आई जस्ट गिव यू अ टेक्निक. अब पॉरीफेरा पढ़ लिया आपने, ठीक है, ऊपर हेडिंग डालेंगे पॉरीफेरा, ठीक है. हमने हेडिंग क्या डाल दी, हमने हेडिंग डाल दी पॉरीफेरा. हैबिटेट क्या है इसका, ठीक है, हैबिटेट हो गया आपका मरीन, ठीक है. अब नेक्स्ट डालेंगे सिमेट्री. सिमेट्री में क्या है, ये आपकी असिमेट्रिकल है आपका, चलिए असिमेट्रिकल भी हो गया. नेक्स्ट अगर आपको हैबिट कोई और डालनी हो, ठीक है, तो आप इसमें मेजर जो सेल्स थे वो डालेंगे. सो मेजर फीचर्स नाम से एक डाल दीजिए, ठीक है, उसमें लिख दीजिए कौन सा, ऑस्टिया, ठीक है. फिर आ जाएगी आपकी स्पॉन्जोसील, देन योर च्वानोसाइट्स या कॉलर सेल, और लास्टली आपका ऑस्क्यूलम, डन. सो इस तरीके से आपको एक 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 करके जो है आपको चार्ट बना लेना है. तो जब आप पढ़ने बैठोगे, रिवाइज करने बैठोगे, हैबिटेट मरीन, सिमेट्री, असिमेट्रिकल, मेजर फीचर्स, ये पूरे सेंटेंस की सेंटेंसेस जो हैं वो नहीं पढ़ने. मैं यहाँ आपको पूरे सेंटेंसेस पढ़ाती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आपको लगे कि मैम ने ये एनसीईआरटी से मिक्स कर दिया या मिस कर दिया. आई वॉन्ट कि आपको डायरेक्टली दिखे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं. NCERT डेस्टिनेशन सिर्फ ऐसे नहीं है, वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन NCERT ओनली, ठीक है. सो इस तरीके से अगर आप चार्ट या इस तरीके से अगर आप कोई एक स्कीम बना लेते हैं अपनी, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू रिमेंबर, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉरीफेरा. अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा. सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, सो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट फाइलम के लिए, तब तक करिए वेट. आई विल सी यू ऑल सून. कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, टेक केयर, थैंक यू.